नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम कोई भी टेक्स्ट का नेम का टैटू का डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि उस डिज़ाइन को प्रिंट कैसे निकालेंगे, अपने फ़ोटोशॉप पे एडिटिंग करेंगे, जो सब भी होता है उसमें सब कुछ। और सबसे पहले हमने उसी तरह डिज़ाइन को निकाल लेना है, फ़ॉन्ट ये सामने आपके सामने आ गए, सभी फ़ॉन्ट में जो भी आपको पसंद है उसको चूज़ कर लीजिए। जैसे कि हमें ये सिमरन वाला फ़ॉन्ट बहुत अच्छा और खूबसूरत लग रहा है, इसको हम कैसे प्रिंट करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे प्रिंट स्क्रीन, अपने उस पर लैपटॉप पे जो होता है बटन होता है, प्रिंट स्क्रीन करेंगे। प्रिंट स्क्रीन करने के बाद हम आ जाएंगे फ़ोटोशॉप पे, और सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है जो इसमें एडिटिंग का ही होता है फ़ोटोशॉप में। हम इस पर जाके कोई भी पेज सेलेक्ट कर लेंगे। कैसे पेज सेलेक्ट करना है, कंट्रोल एन दबा के कोई नया पेज खुल जाएगा, उसके बाद ये इसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी दबाएंगे, और उस पेज पे जो हमने सेलेक्ट किया था प्रिंट स्क्रीन के द्वारा जो वो शो हो जाएगा। और इसके बाद हमें A4 साइज़ सेलेक्ट करना है, पेज नया पेज एक ले लेना है, और इसके ऊपर ही अपना डिज़ाइन को लेके आएंगे। वो कैसे लेके आएंगे, सबसे पहले हम जाएंगे इसको ये क्रॉप वाले ऑप्शन पे, इसको क्रॉप करेंगे डिज़ाइन को, देन एरो को चूज़ करेंगे, और एरो के साथ इसको ले आएंगे A4 साइज शीट पे। ये देख सकते हो कि इसको फिर हम बड़ा कैसे करेंगे, Ctrl+T दबा के इसको बड़ा कर लेंगे, और शिफ्ट ज़रूर दबाना है जब इसको बड़ा करना है ना, क्योंकि नहीं तो साइडों से जहाँ इधर उधर डिज़ाइन बड़ा होता रहता है, इसमें एक सार टैटू बड़ा हो जाएगा साइज़ में। ये देखो ऊपर इंचेस दिखा रहा है, इंचेस शो कर रहा है अपने को A4 साइज़ पे, कितने इंच का टैटू रखना है उसी हिसाब से उतना इसको बड़ा कर लेंगे हम। तो फिर इसको बड़ा करने के बाद देख सकते हैं कितने इंच का हो गया, 4 इंच का हो जाएगा, ये 4.5 का रख लिया हमने, ठीक है। और ये हमने सेव कर लिया है इसको। अब अपना नेक्स्ट काम होगा कि इसको थोड़ा बहुत एडिट कर लें, क्योंकि ये तो है नहीं कि फुल डार्क हम निकालेंगे इसको, और हम इसको फुल डार्क नहीं, इसकी सिर्फ लाइनिंग निकालेंगे, फुल डार्क नहीं, इसकी सिर्फ लाइनिंग निकालेंगे, क्यों, ताकि आर्टिस्ट को उसकी लाइनिंग दिखेगी तो प्रॉपर बनाने में आसानी होगी। और वो लाइनिंग कैसे दिखाएंगे वो आपको मैं दिखाता हूँ। फिल्टर पर जाएंगे हम, फिल्टर पर जाएंगे स्केच पर जाएंगे, फिर उसके बाद फोटोग्राफी पर, इस पे जाने के बाद क्लोज़ करके देखेंगे कि कितनी लाइनिंग हमको चाहिए और कितनी डार्क चाहिए। इसको कर देते हैं ओके, और ये देखो अपना लाइनिंग, सिर्फ लाइनिंग शो होने लग गया अब, और इसको ही हम प्रिंट करेंगे बाद में। अब देखो एडिटिंग अपनी कंप्लीट हो चुकी है, किसी भी टेक्स्ट टैटू की ऐसे हम एडिटिंग कर सकते हैं। अब A4 शीट ले लेंगे ये वाली, क्योंकि ये जो हमने साइज़ सेलेक्ट किया ना पेज का लैपटॉप पर, वो और ये सेम होते हैं, क्योंकि इसको सेलेक्ट करके ही हम प्रिंट निकालेंगे उसका। अब प्रिंटर निकालने के लिए हमको प्रिंटर ऑन करना है, और इस पे सेटिंग तो हो गई, अब सिर्फ हमको कमांड देनी है किसकी, Ctrl+P, ये प्रिंट की कमांड होती है, हम प्रिंट करने जा रहे हैं अब। और ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देने लग जाएगा, इसके बाद हम स्केल टू फिट कर देंगे, ताकि अपना जो पेज है प्रॉपर फिट हो जाए उसके ऊपर, स्केल टू फिट कर देंगे। और इसको फिट करने के बाद ये देखिए प्रॉपर साइज़ हो गया, और प्रिंट की कमांड जो भी आएगा ओके कर देना है इसको, और कुछ नहीं करना हमको। और फिर ये प्रिंटर है अपना ऑन ही पहले से ऑन रखना, ताकि देरी ना लगाए, क्योंकि प्रिंटर निकालने में फिर रेडी करने में देरी करता है ये। हमने A4 साइज़ पेज था जो हमने डाल दिया है, प्रिंटर चालू कर दिया, कमांड भी अपने दे दिए, और अब ये देखिए आपके सामने जो रिज़ल्ट निकल के आएगा, जिसके ऊपर हम लाइनिंग का टैटू बनाने जा रहे हैं, ये देखिए कुछ इस तरह का हमें दिखना शो हो जाएगा आर्टिस्ट को। और इसके बाद ही वो अपना स्टेंसिल रेडी करते हैं, और वो रेडी कैसे होता है वो हम बात करेंगे अगले वीडियो में, और वो प्रॉपर आपको दिखाएंगे कि कैसे होता है स्टेंसिल रेडी।